अस्सलाम वालेकुम ट्रैक्टर टॉप गेयर के सारे दोस्तों नूं की हाल चाल है। दोस्तों असं अज मौजूद हाँ जी मुल्तान YTO ट्रैक्टर शोरूम से। इन्हां दी नवीं शिपमेंट आई सी जिहदे विच इन्हां दे दो मॉडल आए हैं जी 250 ते 350। ये तुहानूं चैक कराने 250 का मुकम्मल रिव्यू दिखावांगे जी तुहानूं। सब तो पहला इहदे विच 25 हार्स पावर का एक पीटर है जी, पीटर इंजन देख लो। ये ऐसा रेडिएटर लगा हुआ, पिछले टायर का साइज है जी 9.524। ये देख लो पिछले टायरों के वेट भी दिते हुए हैं। फ्रंट टायर है जी 16 दे। सेल्फ स्टार्ट है, बैटरी रखी हुई है अगली साइड से। बैटरी का कट ऑफ है, तुसी थोड़े अरसे वास्ते अगर ट्रैक्टर खड़ा करना तो इतों बंद कर सकते हैं, बैटरी का कनैक्शन खत्म हो जाएगा। फ्रंट से भी ये कुछ वेट लगा हुआ है, YTO का लोगो आ गया जी। लाइटां काफ़ी अच्छियां लगी हुई हैं। वाटर बाडी आ गई है, नाल ही सिलेंसर आ गया। सिलेंसर के उपर जाली लगी है, हाथ वगैरह अटैच हो गए तो जले ना। ये ऐसा सलफ फिट है जी, इतने सलफ लगा हुआ। ये जनरेटर लगा हुआ नाल ही, जनरेटर वाली मोटर के अगे ही है। देखो फैन लगा हुआ रेडिएटर वास्ते, रेडिएटर के सामने। यह देखो बाकी ये पीटर तो इंजन तो ये चार बैल्ट लगे हैं, पिछले हिस्से तक ही जा रहे हैं। यानी कि सेंटर जो होर कोई चीज़ नहीं कनैक्ट हो रही, शाफ्ट के थ्रू है, बैल्टों के थ्रू कनैक्ट है पिछले हिस्से के नाल। ए देख लो जी ये चार बैल्ट नज़र आ रहे, चार बैल्ट पाए हुए हैं। बाकी सीधी ट्यूब सीधे एक्सलों के विच है, देख लो कंपनी फिटेड हुक भी है। बाकी ये लैंकां वाले संगल, पेंट की क्वालिटी देख लो जी। जैना नूं जिहड़ी सिलीकोन लगी सी उस तरह ही लाई भी नहीं गई, उस तरह ही उत्ते पेंट कर दिता है। ये भी सिलीकोन नज़र आ रही है साइडां ते, ये भी सिलीकोन ही है सारी, ये सारी जिहड़ी ये नज़र आ रही है सिलीकोन ही है जी। पर देखो पेंट क्वालिटी तकरीबन लोकल तरह ही है, जिवें लोकल आ रही है पेंट क्वालिटी। तो लैंकां की वैल्डिंग क्वालिटी भी चेक कर लो, जिवें वो गेट जाली वाले वैल्ड करते हैं उवें दी वैल्डिंग है। ये देख लो है मेड इन चाइना ही। हटा लगता तो पिछले हिस्से का मोबलैल लैदा, पिछले हिस्से 15 लीटर मोबलैल पैना, तो उपर हटा 6-7 लीटर तकरीबन मोबलैल। टॉप लैंक बाकी प्लेटफार्म भी तुम दिखा दें। हटालक पंप लगा हुआ साइड से, यदा हटालक पंप का गेयर दस रहे हैं। ऐ हाथ वाली रेस है जी, उस तो बाद गेयर लीवर आ गया था। ये पैर वाली रेस आ गई, ये हैंड ब्रेक, ये लाक खोल के इस तरह
ये जी डीजल टैंकी है जी, इधर लगी हुई ये पानी वाली टैंकी है। फ्रंट ते आ गई बैटरी, फ्रंट वाली बीम 250 का एयर क्लीनर अंदर ही रखा हुआ, 350 का बाहर निकला हुआ शो तो बाहर। तुम दिखाने जी किस तरह काम करता है पिछले यदा क्लच, ये क्लच इस तरह पैडल दबावे ना, इतों दिखाइए देखियो, ये देखो इतों इन फैल बैल्ट फ्री कर दिता वा गेयरबॉक्स वाली साइड तो। बैल्ट उपरों घूमते रहेंगे तो ये जो गेयरबॉक्स वाली साइड तो फ्री कर देता जिस टाइम क्लच दबा जी। यदि आवाज़ स्टार्ट करके चेक करवाया